बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर टू हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। और पिछले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 2.5 को ख़त्म किया, ठीक है। और अब इस लेक्चर से हम जो है एक्सरसाइज 2.6 के लिए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो उसमें यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है और कैसे होता है मैथमेटिक्स में, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम जनरल लाइफ में देखें, ठीक है, एवरीडे लाइफ में, तो ये हम वर्ड कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं रिलेशंस एवरीडे यूज़ में क्या होता है कि किसी भी दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान कोई कनेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है या फिर पर्सन है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, दूसरी ऑब्जेक्ट है, और या फिर इसको सेकंड पर्सन कह दें, पर्सन टू, और इसको पर्सन वन, ये ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू, इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन को हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन दीज टू पर्सन्स और टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया डेली लाइफ, यानी कि आप इसकी एग्जांपल में हम इसको कह सकते हैं टीचर, टीचर का किससे रिलेशन होता है, अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है, टीचर स्टूडेंट या टीचर प्यूपल, उस्ताद और उसका शागिर्द, इन दोनों के दरमियान में आपस में रिलेशन होगा, ठीक है। और एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, मदर सन, बेटा और उसकी माँ के दरमियान कोई रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन होगा। उसके अलावा ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, इन दोनों के दरमियान में, ये सब जो है हम मैं डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेली लाइफ में इस तरह से हम रिलेशंस को देखते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं फ्रेंड, फ्रेंड दो दोस्तों के दरमियान में आपस में कनेक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है। उसके अलावा हाउस ओनर, यानी कि घर हो कोई और उसका मालिक, उन दोनों के दरमियान रिलेशन। तो इस तरह से दो चीज़ों या ये तो दो चीज़ों या दो लोगों के दरमियान कोई कनेक्शन हो उसको रिलेशन कहा जाता है, और उसको मैथमेटिक्स में इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पेयर ऑफ वर्ड्स में या ऑर्डर पेयर्स मैंने लिख दिया, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, इन दोनों के दरमियान आपस में रिलेशन है। तो ये हो गया एवरीडे यूज़ में या डेली लाइफ में। अब मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है, इसी से हम कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है, और मैथमेटिक्स में यूज़ किया गया है इस वर्ड को इसी तरह से कि मैथमेटिक्स में आपको पता है कि कोई दो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, लेकिन होते वो नंबर्स ही हैं मैथमेटिक्स में यूज़ हमेशा, ठीक है। तो उसमें हम अगर मैथमेटिक्स में रिलेशन की बात करेंगे तो किसी दो नंबर के दरमियान में रिलेशन, लेट्स सपोज मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ, 5 है और 4 है, ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिख देता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन बन गया। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन है क्या, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि इन देखें 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हम इसको कह सकते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, यानी कि ये रिलेशन है, ये कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान, या फिर हम कह सकते हैं 4 इज़ लेस देन 5, ठीक है, ये कनेक्शन भी बन सकता है। तो ये इन दोनों नंबर्स के दरमियान रिलेशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ 25 और 5, इसको ऑर्डर पेयर में लिखता हूँ, तो मैं कहता हूँ इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, लेकिन रिलेशन है क्या, 5 जो 5 का स्क्वायर लिया जाए तो 25 आता है, या फिर 25 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 5 आता है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बना, स्क्वायर का, या फिर स्क्वायर रूट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर का रिलेशन ये हो गया। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि एक मैं एलिमेंट लेता हूँ 2x2, उसके अलावा सेकंड एलिमेंट में लेता हूँ 4, अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, इसका रिजल्ट दें तो ये भी 4 आएगा और ये भी 4 है, तो दोनों इक्वल हैं,
ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बना, इक्वालिटी का, दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया मैथमेटिक्स में रिलेशन का, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हुज एलिमेंट्स आर ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेटेड नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कोई भी ऑर्डर पेयर में हम लिख लें नंबर्स, एलिमेंट्स, नंबर्स को एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स में ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स जिसके एलिमेंट्स जो हैं आर ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेटेड नंबर्स, यानी कि आपस में कोई ना कोई उनका रिलेशन होगा, ठीक है, उन एलिमेंट्स में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, या ग्रेटर का, या स्क्वेयर का, या इक्वालिटी का, या स्क्वेयर रूट का, इसी तरह से और भी बहुत से रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखी, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। टेक्निकली आ रिलेशन इज आ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स मैंने लिखे हैं ना ऊपर, तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हुज एलिमेंट्स जिसके एलिमेंट्स जो हैं हुज एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेटेड नंबर्स, यानी कि उन दोनों नंबर्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होगा, रिलेट कर रहे होंगे आपस में, रिलेटेड नंबर्स हों या फिर कोई चीज़ें हों या और ऑब्जेक्ट्स, तो ये बनता है रिलेशन, ये रिलेशन की डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो अब इसके अलावा यहाँ तो मैंने साथ में रिलेशन बताया है कि ये ग्रेटर है, ये स्क्वेयर का रिलेशन है, ये इक्वल का है, तो ये साथ में मेंशन भी किया जा सकता है और साथ में मेंशन नहीं भी किया जा सकता, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ से हटा दूँ तो फिर भी ये रिलेशन ही होगा, ऑर्डर पेयर्स में कोई से दो नंबर लिखे हों तो वो एक रिलेशन बनता है, ठीक है। तो उस रिलेशन को बताया गया हो या ना गया हो कि ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है क्या, लेकिन फिर भी वो रिलेशन होगा, वो हम खुद से जज कर सकते हैं कि उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। चलें अब आप आगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि मैथमेटिक्स में ही अब हम आगे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, सेट्स पे आते हैं। देखिए सेट्स जो हैं, लेट्स सपोज हम एक सेट लेते हैं, लेट ए, ए एक सेट है और बी दूसरा सेट है, इज अ सेट, इज अ सेट, ठीक है। ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी सेट्स नहीं है, यानी के ठीक है, एम्प्टी सेट्स के अलावा कुछ कोई भी सेट्स हो सकते हैं ये। तो अब हम इनका अगर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई आपस में कर दें, ए क्रॉस बी, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जो सबसेट होगा, यानी कि ए क्रॉस बी से जो सेट आएगा, जो भी सेट आएगा उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ए सेट भी, ए भी एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, जिस तरह से मैं बता देता हूँ, और साथ में बी भी एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, कोई ना कोई उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, यानी कि आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऑर्डर पेयर्स में हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि जो ये सेट बनेगा, उस इस सेट का जो सबसेट होगा, इस सेट का सबसेट वो रिलेशन होगा, उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं, या फिर उसको सिंपली रिलेशन भी कहा जा सकता है, और रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इसको कहेंगे हम, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, हमने बात किया कि
ए एक सेट हमने लेट सपोज कर लिया, उसके बाद बी भी एक सेट ले लिया हमने, ठीक है, उसके कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे ये। अब उन दोनों सेट्स के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि ए टू बी हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि उन दोनों सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है, यूँ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट बनता है उसका कोई भी सबसेट आप ले लें वो रिलेशन होगा, ठीक है। तो या उसे बाइनरी रिलेशन भी कहा जा सकता है या फिर सिंपली उसको रिलेशन कहा जाएगा फ्रॉम ए टू बी। तो इसके अलावा हम ऐसा करते हैं कि इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक सेट है जी जिसमें तीन चिल्ड्रन लाए कर रहे हैं, ठीक है, सी वन, सी टू और सी थ्री। ये तीन बच्चों का सेट है, यानी कि इस सेट में क्या लाए कर रहे हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं इस सेट के, क्या एलिमेंट्स हैं, तीन बच्चे, सी वन, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री। इसी तरह से हम एक और सेट लेते हैं जिसमें दो फादर्स उसके कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि एम वन कह दें और एम टू कह दें, एफ वन एफ टू भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फादर्स का सेट बन गया। तो ये क्या है, चाइल्ड का सेट, सेट ऑफ चाइल्ड, ये कैपिटल सी होगा क्योंकि सेट का नाम है। इसी तरह से ये फादर्स का सेट, ठीक है, एम वन और एम टू। अब हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि जो चाइल्ड वन है और चाइल्ड टू, इन दोनों का फादर कौन सा है, एम वन, ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू इज एम वन, और इसी तरह से फादर ऑफ चाइल्ड थ्री इज एम टू, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सी टू एफ हमने रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि इन में रिलेशन किस तरह से बनेगा, एक चाइल्ड होगा, चाइल्ड और दूसरा फादर होगा, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, इन दोनों सेट से। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, जिस तरह से हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था ये कि दो सेट्स हैं तो उनके दरमियान हम मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका सबसेट होगा उस वो रिलेशन, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि सी और एफ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी क्रॉस एफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सी क्रॉस एफ किस तरह से आएगा, सी जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सी वन एम वन एक ऑर्डर पेयर बना, इसी तरह से सी वन जो है एम टू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक ऑर्डर पेयर बना। इसी तरह से आप सी टू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी टू एम वन और सी टू एम टू, ये भी एक ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप सी थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो सी थ्री एम वन एक ऑर्डर पेयर बना और सी थ्री एम टू, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना। अब ये हमने इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स का एक और सेट हमारे पास आ गया, सी क्रॉस एफ, ठीक है। तो अब देखें आप के हमने डिफाइन क्या किया था कि सी वन और सी टू जो हैं वो दोनों किसके चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, एम वन के, ठीक है। मतलब के रिलेशन कहाँ पर बनेगा, सी वन और सी एम वन ये दोनों आपस में बाप बेटा हैं, बिल्कुल ठीक है। सी वन का रिलेशन है क्या एम टू के साथ, सी वन तो किसका बच्चा है, एम वन का, एम टू के साथ तो उसका कोई रिलेशन नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। सी टू का रिलेशन है एम वन के साथ, बिल्कुल, हमने कहा था कि सी वन और सी टू दोनों किसके बच्चे हैं, एम वन के, तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है, वैलिड रिलेशन है, ठीक है। उसी तरह से सी टू और एम टू इन दोनों का रिलेशन है, सी टू जो है वो तो बच्चा है एम वन का, एम टू के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो सी थ्री जो है वो एम वन के साथ उसका कोई रिलेशन है, नहीं है, क्योंकि सी थ्री जो है एम टू का बच्चा है तो ये भी हम छोड़ देंगे, इसको मैंने वैसे अंडरलाइन कर दिया। तो ये सी थ्री एम टू के साथ उसका रिलेशन है, तो ये वैलिड रिलेशन। तो आगे हमारे पास क्या है, एक सी वन एम वन
ठीक है, ये ऑर्डर पेयर हमने निकाल दिया वहाँ से क्योंकि वैलिड रिलेशन था उसमें से। उसके बाद सी टू एम वन, ये भी एक वैलिड रिलेशन है, और इसी तरह से सी थ्री और एम टू, यानी कि जो मैंने अंडरलाइन किए थे, जो वैलिड रिलेशन बन रहे थे, वो मैंने यहाँ से निकाल दिया और उनका एक सेट बना दिया। तो अब यहाँ से देखें तो ये सेट जो है वो इस सी क्रॉस एफ सेट का सबसेट है, क्योंकि इसके सब एलिमेंट जो हैं वो इस सेट में लाए कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सबसेट है, छोटा सेट है उसका, ठीक है। तो ये हो गया सबसेट। हमने क्या बात की थी कि जो प्रोडक्ट के बाद जो सेट बनता है उसका जो सबसेट होगा, कोई सा भी सबसेट हो, वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है, या उसे रिलेशन कहते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये एक हमने रिलेशन फाइंड कर लिया है सी और एफ के दरमियान, सी टू एफ, ठीक है, रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम सी टू एफ, ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, सही है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि रिलेशंस को हम डायग्राम से किस तरह से शो कर सकते हैं। तो इसी मैं एग्जांपल को डायग्राम में शो करने जा रहा हूँ। तो ये हो गया, हमारे पास एक सेट था, ठीक है, जो कि चिल्ड्रन का सेट था, जिसमें लाए कर रहे थे सी वन, सी टू और सी थ्री, तीन बच्चे लाए कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक और सेट हमारे पास था जो कि फादर्स का सेट था, ठीक है। तो उसमें एम वन और एम टू दो फादर्स उसके कॉम्पोनेंट से या एलिमेंट से। अब इनका रिलेशन आपस में क्या था, रिलेशन इनका आपस में सी वन जो है उसका रिलेशन था एम वन के साथ, ठीक है। सी वन जो है वो किसका चाइल्ड है, एम वन का। इसी तरह से सी टू भी एम वन का चाइल्ड है, वो यही हमने डिफाइन किया था ना, डिस्क्राइब किया था। तो इसको भी हम इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये इन के दरमियान सी वन यानी कि उसका रिलेशन है एम वन के साथ, सी टू का भी रिलेशन है एम वन के साथ, और सी थ्री का किसके साथ है, एम टू के साथ। एम टू जो है वो सी थ्री का फादर है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने इसको शो कर दिया कि इनका आपस में ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिकली हम इसको शो करते हैं, किसी भी रिलेशन को इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये रिलेशन को देखा। एक और एग्जांपल चले हम देख लेते हैं रिलेशंस की, कि हम ऐसा करते हैं कि एक सेट का उसी के ऊपर या उसी में ही हम रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास ए एक सेट गिवन है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं वन टू और थ्री, ये ए हमें एक सेट गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें कहा जाता है कि आपने रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, इन टू ए या ऑन ए, ठीक है, तो साथ एक कंडीशन भी हम ले लेते हैं कि जब क्या हो, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई हो, यानी कि पहला जो ऑर्डर पेयर्स हमने लिखे थे ना, उसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब छोटा वो वैलिड रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हमने खुद से डिस्क्राइब कर दिया। हम कोई और भी ले सकते हैं, यानी कि एक्स ग्रेटर देन वाई या एक्स इक्वल टू वाई का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स लेस देन वाई वैलिड होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी सेट का उसी में रिलेशन किस तरह से आएगा कि उस पहले हम क्या होता था, दो सेट्स हमें गिवन होते थे तो हम उन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, उसके बाद उसका सबसेट हम लेते थे तो वो रिलेशन बन जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि एक ही हमें सेट गिवन है, इसी में हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम इस सेट को इसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे। तो ए सेट को मैं दो दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो वन को हम इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन वन एक ऑर्डर पेयर बन गया, इसी तरह से वन टू दूसरा ऑर्डर पेयर, और वन थ्री, ये तीन ऑर्डर पेयर्स बन गए। इसी तरह से आप टू को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू वन टू टू और टू थ्री, ये बन गया। उसके बाद थ्री को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री वन बन जाएगा थ्री टू, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ बाकी एलिमेंट्स को, थ्री टू और थ्री थ्री, ये भी ऑर्डर पेयर्स बन गए। ये कंप्लीट हमारे पास सेट आ गया ए क्रॉस ए। अब साथ में हमें कंडीशन क्या गिवन थी,
इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, यानी कि पहला एलिमेंट एक्स जो होता है वो पहला एलिमेंट होता है, तो एक्स जो है पहला एलिमेंट वो छोटा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट के साथ। इसमें देखें ये दोनों इक्वल हैं, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब ये देखें इसमें, तो पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से छोटा है, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को, ठीक है। इसी तरह से ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वन इज़ लेस देन थ्री, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर में दूसरे एलिमेंट से छोटा है। तो इसको देखें तो टू इज़ ग्रेटर देन वन है, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, और ये भी वैलिड नहीं है। तो हमारे पास तीन इसमें से जो है वो एलिमेंट्स आते हैं, एक वन टू है ये ऑर्डर पेयर है, एक वन थ्री है ये एक ऑर्डर पेयर है, और एक टू थ्री है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास रिलेशन। रिलेशन क्या था, कंडीशन क्या थी, एक्स इज़ लेस देन वाई की। तो यहाँ से हम ये रिलेशन फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब आप देखें तो ये वाला सेट जो हमारे पास आया है, ये इस ए क्रॉस ए का सबसेट भी है, ठीक है, तो सबसेट होना चाहिए, और उसको हम कहेंगे रिलेशन, सिंपली रिलेशन कह सकते हैं या बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में रिलेशंस को स्टडी किया, रिलेशंस क्या होते हैं उसको हमने डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके देखा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि रिलेशन की डोमेन क्या होती है और रिलेशन की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो रिलेशन तो हमने देख लिया, अब डोमेन क्या होती है कि इस जो रिलेशन का सेट हमारे पास आया, ये हमारे पास सेट आया, ठीक है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, यानी कि वन है, ये भी वन है, ये टू है, ये हमारे पास डोमेन होती है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन होती है, यानी कि वन और टू, इसमें हमारे पास डोमेन बन रही है, ये क्या है, डोमेन। और आप सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि ये और ये टू थ्री, इसको मैं सेट में लिखूंगा, ये है रेंज, ठीक है। इसी तरह से जो ऊपर हमने एग्जांपल ली थी उसमें हम डोमेन और रेंज देख लेते हैं, कि ये हमारे पास रिलेशन आया था ये, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, वो हमारे पास डोमेन है, यानी कि ये सेट जो है वो डोमेन है, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ। डोमेन क्या है इसकी, डोमेन इज इक्वल टू सी वन सी टू और सी थ्री, ये डोमेन का सेट बन गया। और रेंज मैंने पहले जैसे बताया कि सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि ये और ये, एम वन और एम टू आ जाएगा, रिपीट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है, एम वन एम 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 टू नहीं लिखेंगे, बल्कि एम वन एक दफ़ा लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद एम टू आता है, एम वन और एम टू, ये हमारे पास रेंज है इस रिलेशन की। तो हमने यहाँ पर क्या क्या स्टडी किया, एक रिलेशन को देखा, ठीक है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन हमने देखी, रिलेशन होता क्या है, और उसके बाद हमने डोमेन और रेंज भी देखे, और साथ में एग्जांपल्स में भी देखा कि रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस को स्टडी करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और रिलेशन से किस तरह से डिफरेंट है।